एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस की हम बात करेंगे। एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस को और क्या कहते हैं? एक्यूट पुरुलेंट मेनिंजाइटिस भी कहते हैं, जहाँ पर पुरुलेंट का मतलब होता है डिस्चार्जिंग पस, पायोजेनिक का मतलब भी पस प्रोड्यूसिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्फेक्शन हो रहा है वो कैसा इन्फेक्शन है? एक्यूट इन्फेक्शन है, बहुत जल्दी हो रहा है। और कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है इसमें? पाया एरेक्नॉइड और CSF, जो कि सब पैरेक्नॉइड, सब एरेक्नॉइड स्पेस में है। पाया एरेक्नॉइड आप इस डायग्राम में देख सकते हो, पाया एरेक्नॉइड कौन है, कौन सी लेयर होती है, बीच वाली लेयर होती है, और सब एरेक्नॉइड स्पेस में CSF है, वो यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में तुम्हें सिर्फ यही बताया गया है कि इसका और नाम क्या है और कौन सी क्या क्या कहाँ कहाँ पर इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, वो इन्फेक्शन एक्यूट टाइप का है। अगली हेडिंग है तुम्हारी एटियोपैथोजेनेसिस की। तो उसमें तुम बता दो कि भैया इसका पॉजिटिव पॉजिटिव एजेंट क्या है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है। तो उसकी ट्रिक है स्नेहा, बैक्टीरिया है सारे, एस फॉर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एन फॉर नेसेरिया मेनिंजाइटिस, एंड ई फॉर एस ई कोलाई, एच ए फॉर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। तो ये है सारे तुम्हारे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। क्या रूट्स ऑफ इन्फेक्शन रहेगा? तो तीन रूट ऑफ इन्फेक्शन है, ब्लड स्ट्रीम से हो सकता है, आसपास कहीं पर इन्फेक्शन हो किसी आसपास की साइट्स में, मतलब एडजेसेंट साइट में अगर इन्फेक्शन हो तो वहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है, और तीसरा कोई कोई ऑपरेशन करते टाइम या फिर लंबर पंक्चर के टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस हो गया हो। तो एटियोपैथोजेनेसिस हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बताया, इसमें तुमको फिर एटियोपैथोजेनेसिस बताया, एटियोपैथोजेनेसिस में तुम्हें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया और रूट ऑफ इन्फेक्शन के बारे में बताया। अगली हेडिंग है तुम्हारी मॉर्फोलॉजिकल फीचर, जिसमें तुम ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर और माइक्रोस्कोपिकली क्या देखोगे वो चीज़ें बताओगे। ग्रॉसली हम जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि सब एरेक्नॉइड स्पेस में हमने देखा था कि वहाँ का CSF तुम्हारा अफेक्टेड है, तो वहाँ पर पस का एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिलेगा उस स्पेस में। और जो नॉर्मली CSF हमको क्लियर देखने को मिलती थी, वो इस पस के कारण क्या होगी कि टर्बिड या फिर फ्रेंकली पुरुलेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जब आप टेबल बनाते हो जहाँ पर आप CSF की फाइंडिंग्स वाला टेबल, सब चीज़ों को डिफ्रेंशिएट आप करोगे, उसमें आप देखेंगे ये चीज़, ये वो टेबल रही जहाँ पर हम नेकेड आई अपीयरेंस में अगर CSF को देखेंगे तो एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के केस में हमें क्लाउडी और फ्रेंकली पुरुलेंट CSF देखने को मिलेगी, जबकि नॉर्मली ये क्लियर होती है या फिर कलरलेस होती है। लिम्फोसाइटिक के केस में क्लियर या फिर स्लाइटली टर्बिड रहेगी। क्रॉनिक में तुम्हारा क्लियर और स्लाइटली टर्बिड है, लेकिन साथ में क्या होगा कि फाइब्रेंट कोगुलम का फॉर्मेशन होगा ऑन स्टैंडिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने आपका डिस्कस कर लिया। और क्या देखने को मिलेगा ग्रॉसली? एक तो हमने टर्बिडिटी वाले पॉइंट की बात कर ली, इसके अलावा तुम देखोगे कि अगर ज़्यादा जो पुरुलेंट मटेरियल जो है वो CSF के फ्लो के साथ इंटरफेयर कर सकता है, जिससे तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलिस दिखने के चांसेस बढ़ जाएंगे। माइक्रोस्कोपिकली हम क्या देखेंगे कि न्यूट्रोफिल्स हमको देखने को मिलेंगे, ऑफकोर्स CSF में न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेंगे, और ये पॉइंट तुमने टेबल में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ग्राम स्टेनिंग जब हम करेंगे तो हमको पॉजिटिव बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, वही टेबल वाला पॉइंट है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ग्रॉसली हमने तुम्हें दो पॉइंट बताए कि CSF के साथ क्या होगा और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस किस तरीके से होगा। माइक्रोस्कोपिकली हमने तुम्हें न्यूट्रोफिल्स के बारे में बताया और ग्राम स्टेनिंग के बारे में बताया। अगली हेडिंग है तुम्हारे क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं और क्या डायग्नोसिस वगैरह है। तो एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है एक मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे वो काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाते हैं, जो कि होंगे फीवर, सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस, नमनेस मतलब पेन वगैरह फील ना होना, कोमा और कभी कभी कन्वल्जन्स भी। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है वो ये है कि फॉरवर्ड बेंडिंग जब हम कराएंगे नेक की तो स्टिफनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केस में ये सब मिलता है तुम्हारा, ठीक है। और वायरल मेनिंजाइटिस के केस में क्या देखने को मिलता है? सेम फीचर्स हैं बिल्कुल बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की तरह, लेकिन साथ ही साथ और फीवर यहाँ पर भी डिस्कस किया, फीवर तुम्हारा इसमें भी था, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में भी था, इसमें भी है। क्रॉनिक वाले में क्या है तुम्हारा? फीवर की बात तो हुई नहीं है। सीवियर हेडेक और वॉमिटिंग जो हमने बैक्टीरियल के केस में भी देखी थी वो यहाँ पर भी है। और नया क्या है? कन्फ्यूज़न मेलेस, ये अभी तक कहीं नहीं देखा था, वो यहाँ पर देखने को मिल गया, ठीक है। मेलेस का मतलब होता है अनइजीनेस, अच्छा फील नहीं करना। तो ये हमने सारे जो क्लिनिकल फीचर्स हैं सबके, वो सबकी बात कर ली हमने। अब प्रोग्नोसिस किस तरीके का होगा? हम जानते हैं कि बैक्टीरियल वाला तुम्हारा लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, और जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तुम्हारे बैक्टीरियल और वायरल वाले को, तो उसमें एक चीज़ है कि जो वायरल वाला है तुम्हारा ये बिनाइन है, एक जगह पर रहेगा, सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप सही सेल्फ लिमिटिंग है। और क्लिनिकल कोर्स जो इसका वो शॉर्ट ड्यूरेशन का है,
कंप्लीट रिकवरी देखने को मिल जाती है, जबकि जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है वो लाइफ थ्रेटनिंग है तुम्हारा। और थर्ड वाले की अगर बात करें हम क्रॉनिक ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस की, तो वहाँ पर क्या है कि क्लिनिकल कोर्स जो है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का वो फल्मिजेंट हो सकता है या फिर फेटल हो सकता है फ्यू वीक्स के अंदर, और मे बी इंडोलेंट फॉर मंथ्स टू ईयर। ठीक है, अगले पॉइंट है कि तुम किस तरीके से CSF का एग्जामिनेशन करोगे और क्यों ज़रूरी है, सारी बातें तो ये टेबल में देखेंगे हम डिफरेंशिएट करते हुए। और ये वाले पॉइंट हम टेबल अलग से बना सकते हैं, इस पॉइंट के अंदर हम तुम्हारा ये सारी चीज़ भी डाल सकते हैं और टेबल अलग से बना सकते हैं। तो ये है कि अगर नेकेड आई अपीयरेंस हम देखें तो नॉर्मली हमको क्लियर या कलरलेस देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के केस में ये क्लाउडी या फिर फ्रैंकली पिरुलेंट CSF देखने को मिलेगा। तो जब हमने तुम्हारा मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे थे उसमें हमने तुम्हारे ग्रॉसली में देखा था ये तुम्हारा पॉइंट CSF के बारे में। ठीक है, CSF प्रेशर की अगर बात करें तो नॉर्मली तुम्हारा CSF प्रेशर 60 to 150 mm वाटर रहता है, जो कि एक्यूट पायोजेनिक के केस में बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि 180 mm वाटर हो जाएगा। ठीक है, और सेल्स की अगर बात करें तो नॉर्मली लिम्फोसाइट काउंट जो है तुम्हारा 0 to 4 लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा न्यूट्रोफिल का अमाउंट बढ़ने वाला है। ये ध्यान रखने की बात है कि न्यूट्रोफिल का अमाउंट बढ़ रहा है यहाँ पर, बाकी लिम्फोसाइटिक के केस में और ट्यूबरक्लोसिस के केस में लिम्फोसाइट बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल बढ़ रहा है, बाकी दोनों केसेस में लिम्फोसाइट बढ़ रहा है। क्या अमाउंट बढ़ रहा है यहाँ पर? 10 to 10,000 है, अगले वाले में 10 to 100 है, और उससे अगले वाले में 100 to 1,000 है। ठीक है, CSF प्रोटीन लेवल की अगर बात करें तो नॉर्मली 15 to 45 mg/dL होता है, जो कि यहाँ पर तुम्हारा इंक्रीज़ हो जाएगा 50 mg/dL से भी इनके ऊपर। ठीक है, सभी में तुम्हारा रेस मिलेगा। ठीक है, ग्लूकोज की अगर बात करें तो वो तुम्हारा डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर भी, और क्रॉनिक ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस के केस में भी नॉर्मल रहेगा लिम्फोसाइटिक के केस में। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में नॉर्मली कुछ नहीं मिलता, स्टराइल रहता है, और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हमको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। किस क्या मेथड होंगे हमारे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को देखने के? ग्राम स्टेन कर सकते हैं हम, या फिर CSF कल्चर कर सकते हैं। और वायरल लिम्फोसाइटिक के केस में हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, स्टराइल रहेगा। और क्रॉनिक ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के केस में हम देखेंगे कि ट्यूबरकल बैसिलाई जो है वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ट्यूबरकल बैसिलाई हम कैसे देखते हैं? जेडन स्टेनिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा बैक्टीरियल वाला हो गया। अगर क्रिप्टोकोकल हुआ, फंगल हुआ, तो क्या करोगे? उसके लिए इंडिया इंक स्टेनिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, अब अगले की बात करेंगे हम एक्यूट लिम्फोसाइटिक मेनिंजाइटिस के बारे में।